गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की वीडियोस के अंतर्गत हम देखेंगे दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार, क्योंकि उनके सबसे प्रमुख विचार माने जाते हैं। दयानंद सरस्वती इन्होंने सबसे पहले अपनी ग्रंथ में जो सामाजिक विचार है उसके अंतर्गत जो जाति प्रथा है उसका घोर विरोध किया है। क्या किया है? जाति प्रथा का घोर विरोध किया है इन्होंने। जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज जो कि छिन्न भिन्न हो चुका है, हो रहा था, उसे अन्य धर्मों के जो प्रचारक है वे जाति के लोगों को उच्च जाति और निम्न जाति यानी अस्पष्टता में बांट रहे थे, निम्न जाति के जो लोग थे वेदों का अध्ययन कर सकते हैं। इस पर इन्होंने विशेष जोर दिया, यानी अपनी इस व्यवस्था के अंदर जाति प्रथा के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, जब क्योंकि हिंदू समाज के अंदर लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था थी जिसे हम जाति प्रथा कहते हैं, ऊंच और नीच के भेदभाव को इन्होंने खत्म करने का बीड़ा उठाया। साथ ही ये मंदिरों के अंदर में जिनको निम्न जाति के व्यक्ति को जाने की जो मनाई थी उसको उन्होंने खत्म करने की बात कही और वेदों के अध्ययन की बात इन्होंने अपने इस विचार के अंतर्गत कही। साथ ही जो वर्ण व्यवस्था स्पष्टता जाति प्रथा जैसी जो बुराइयां हैं या कुरूतियां हैं यानी बुरी आदतें हैं इनका विरोध किया। इन्होंने वर्ण आश्रम केवल सुधारना चाहते थे, ये इनको समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था कि जन्म के आधार पर, किसके आधार पर, जन्म के आधार पर वर्ण को निश्चित करना क्या है, अनुचित, इसलिए इसका विरोध करते थे। साथ ही इन्होंने समाज में व्याप्त जो मूर्ति पूजा है उसका विरोध किया, इसको अंधविश्वास को पाखंड मानते थे। मूर्ति पूजा धर्म विरोध थी।
वेद क्योंकि इसकी आज्ञा नहीं देते हैं। क्योंकि वेदों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि हम इस तरीके के कर्मकांड करें। साथ ही इन्होंने समाज में व्याप्त जो सामाजिक कुरीतियां थी उनका भी विरोध किया। सामाजिक कुरीतियों में हम किसको लेते हैं? बाल विवाह, दहेज प्रथा, यह शारीरिक विकास के लिए उचित नहीं है। अगर कम आयु में व्यक्तियों का विवाह हो जाता है या बच्चों का विवाह हो जाता है, वो जल्द माँ बन जाती हैं, तो यह भी उनके लिए उचित नहीं मानी जाती। इसीलिए इन्होंने अपनी इस व्यवस्था के अंतर्गत जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनके विरोध की बात कही है, जिसमें सबसे मेन आधार है हमारे बाल विवाह का, दहेज प्रथा का, जिसका इन्होंने पूर्ण रूप से विरोध किया है। साथ ही अपनी इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज की जो सारी व्यवस्थाएँ हैं इनको बनाए रखने के लिए, इनके खंडन के लिए इन्होंने अपने अथक प्रयास किए और एक प्रमुख क्रिया उठा है जिसके माध्यम से समाज में जाकर जो ये बुराइयाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, इनको नाश किया जा सके। साथ ही अपने इस व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने अपने सामाजिक विचारों में ये शिक्षा की जो व्यवस्था है इसको शिक्षा के शिक्षा को व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए जरूरी माना, जिसका आधार क्या होना चाहिए? आधार नैतिक, धार्मिक प्रशिक्षण होना चाहिए, होना चाहिए जन्म परंपरा के अनुसार। नहीं बल्कि गुणों के, किसके आधार पर? गुणों के आधार पर होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने नारी शिक्षा का समर्थन किया, में नारी को संपत्ति से बन गई थी, क्योंकि मुसलमानों के काल में शिक्षा अज्ञानता के कारण उनका स्थान गिर गया था। इसीलिए इन्होंने उसे पुरुषों से हीन समझा जाता था, इसीलिए इन्होंने अपने इस विचारों के अंतर्गत नारी के उत्थान की बात कही है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से दयानंद सरस्वती ने अपने सामाजिक विचारों के अंतर्गत जहाँ जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा का पुनर्विवाह की बात कही है, वहीं इन्होंने समाज में व्याप्त अनेक जो कुरीतियाँ हैं उनसे निपटने की भी बात कही है और उन्हें खत्म करने का बीड़ा उठाया। जिस प्रकार से हमारे राजा राममोहन राय ने इसकी शुरुआत की थी, ये अपने विचारों के अंतर्गत इसे आगे बढ़ाने की बात कही थी, उसी तरीके से दयानंद सरस्वती ने इन्हें और आगे बढ़ाया और समाज के अंतर्गत व्याप्त समस्त कुरीतियों को खत्म करने की बात कही है। थैंक यू सो मच।
फ्रेंड्स इस तरीके से अन्य और विचार जो उनके प्रमुख हैं वो हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ आगे भी इसी तरीके से। थैंक यू।